इससे ये कि हम जो बेटियों के प्रति सोच में लोगों की बदलाव लाना कि बेटियों नवोदय क्रांति परिवार एक ऐसा परिवार जिसने हरियाणा से लेकर विदेशों तक बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदल कर रखती है। अब तक 400 से ज्यादा बेटियों का जन्मदिवस मना चुका है क्रांति परिवार। मेरी बेटी मेरा अभिमान, लाडली महोत्सव, सेल्फी विद लाडली समेत दर्जनों मुहिम चलाकर बेटियों को उनका सम्मान दिलाया इस परिवार ने। क्रांति परिवार की सेल्फी विद लाडली मुहिम तो इतनी तेजी से लोकप्रिय हुई कि पानीपत समेत तमाम हिंदुस्तान, यहाँ तक कि विदेशों तक के लोगों ने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी लेकर भेजनी शुरू कर दी है। क्रांति परिवार के नेशनल मोटिवेटर शिक्षक बोधराज ने बताया कि उनके अभियान से लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है और अब समाज में बेटियों को भी बेटों जितना मान सम्मान दिया जाने लगा है, जिसका अंदाजा लोगों द्वारा बेटियों के साथ भेजी गई सेल्फियों की संख्या से लगाया जा सकता है। ऐसे में नवोदय क्रांति परिवार के नेशनल मोटिवेटर दिनेश वर्मा, बोधराज चौरान का ये अतुलनीय सहयोग नहीं भुलाया जा सकता, जिसकी वजह से हरियाणा में बेटियों को उनका सम्मान मिलने लगा है। सर, ये नवोदय क्रांति शिक्षक परिवार की ओर से सन 2018 के नवंबर से इसको मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य ये कि हम जो बेटियों के प्रति सोच में लोगों की बदलाव लाना कि बेटे और बेटी में कोई अंतर ना करके इनका भी जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। और अब की बार कोरोना काल के कारण सेल्फी विद लाडली लेकर आए हैं, बेटी के साथ आप सेल्फी भेजिए। और हमने इसकी टैगलाइन भी बनाई है, मेरी बेटी मेरा अभिमान, और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सेल्फियाँ, 500 से भी ज़्यादा सेल्फी हमारे पास आई हैं, विदेश से भी हमारे पास, अमेरिका से भी हमारे पास सेल्फी आई है। और क्या उद्देश्य मुहिम का उद्देश्य तो हम प्रभावित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था, उसी से हम प्रभावित हैं। हमारे मन में भी आया कि क्यों न हम इसको बड़े स्तर पर मनाएं और लोगों की सोच में बदलाव लाएं। मुख्य उद्देश्य ये कि हम बेटा बेटी को एक समझें। ये एक स्कूल की उल्लेखनीय पहल है जिसमें लाडली जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मेरी बेटी मेरा अभिमान नाम से जो ये सेल्फी विद डॉटर कार्यक्रम जो शुरू किया गया है नवोदय क्रांति की तरफ से, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। हम जानते हैं कि हरियाणा में और खासकर पूरे भारत में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले काफ़ी कम है। ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम जिसमें बेटियों के महत्व को दर्शाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है बेटियों के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है, तो इससे बेटियों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और लिंग अनुपात में सुधार करने में इससे बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।